बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। टुडे इज डेट इज 2nd जुलाई और दिन है आपके पास जुमेरात का, ठीक है। जनरल साइंस का टॉपिक है आपके पास सबक नंबर 10 और चैप्टर का नेम है साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कैसे हुई, ठीक है, और लेज़र और इसका तारुफ, ठीक है। तो हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपके पास 177 में, बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके पास 177। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कैसे हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, हेडिंग आपने देनी है यही, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की, ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी में हकीकी तरक्की का आगाज 18वीं सदी में हुआ। फितरत के नए नए कवानीन दरियाफ्त हुए जिनके नतीजे में नए नए इजादात की राहें खुली। बाप से चलने वाला इंजन ईजाद कर लिया गया जिसमें कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल हुआ। बज़ाहिर इस इब्तदाई ईजाद ने टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब बरपा कर दिया। बाप के इंजन की कामयाबी ने साइंसदानों और इंजीनियरों की तवज्जो अपनी तरफ मबूल कर ली, यानी कि अपनी तरफ दिलवाई। 19वीं सदी में अंदरूनी राग के असूल पर मबनी इंजन और बिजली की दरियाफ्त ने इंसान के लिए हवा के प्रवास के रास्ते खोल दिए, ठीक है। इनसे मुंसलिक कई और सनते वजूद में आई और जुनू साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सी नई राहें खुली। 20वीं सदी के दौरान टेक्नोलॉजी में नाकाबिल तरक्की यकीन तरक्की हुई, क्योंकि खसूसा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर जो चूरी तबनाई से, ठीक है, ऑटोमेशन और कंप्यूटर, जनियाटी इंजीनियरिंग, प्लास्टिक की सनत, ट्रांसपोर्ट और खलाई तहकीक में बेइंतहा तरक्की हुई। टेक्नोलॉजी की तरक्की के सम्राट ने दुनिया में भर के इंसानों के लिए तर्ज हयात को बदल कर रख दिया। 20वीं सदी की आखिरी दहाई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज इनकलाब बरपा किया। जदीद टेक्नोलॉजी की सम्राट से तरक्की पजीर ममालिक में रूम नहीं रही, ठीक है जी। उन्होंने इंतहा फ़ायदा उठाया। आज दुनिया का हर मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ है। हर मुल्क की कोशिश है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अवाम को ऐसे सहूलतें वहाँ पहुँचाए जिनसे मयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये तरक्की अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस और रूस को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में ला खड़ा करने का सबब बनी है। अभी लास्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन ममालिक के नाम बताएं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने बेतहाशा तरक्की की, ठीक है। तो नाम आपके पास है चीन, जापान, फ्रांस और रूस। आगे आपके पास क्वेश्चन आएगा, लेज़र का मुखफ्फ बयान करें। लेज़र का मुखफ्फ क्या है? इसको कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी, ये इसका मुखफ्फ एब्रिविएशन। ये वो अमल है जो खुद रोशनी के अंदर नुमा हो रहा होता है। सबसे पहले लेज़र रूबी क्रिस्टल हासिल की गई जिसका तजर्बा 1960 में कामयाब हुआ। इसके बाद लेज़र के कई इकसाम यानी कि माया लेज़र, गैस लेज़र, सेमी कंडक्टर प्लस लेज़र और मुसलसल लेज़र मुख्तलिफ रंगों में तैयार हुए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकती हैं कि आप ये बताएं, यहाँ मैंने पेंसिल से हाईलाइट भी किया हुआ है आपके पास, ये इधर सबसे पहले ऊपर आएगा मुखफ्फ बताएं, फिर उसके बाद कब इजाद हुई, पहली कौन सी थी, रूबी क्रिस्टल थी वो 1960 में, फिर लेज़र की इकसाम कौन कौन सी आ जाती हैं, माया लेज़र, गैस लेज़र, सेमी कंडक्टर लेज़र प्लस लेज़र और मुसलसल मुख्तलिफ रंगों में तैयार हुई, ठीक है। आगे नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाती है लेज़र के इस्तेमालात, ये डायग्राम में आपको नज़र भी आ रही है, आम रोशनी में और ख़ास रोशनी में, ठीक है। जो सॉफ्ट कलर की रोशनी थी उसमें भी लेज़र आपको दिखाई दे रही है दोनों डायग्राम। अब लेज़र के इस्तेमालात क्या हैं? लेज़र नई किस्म की रोशनी है जो धातु में सुराख कर देती है। आँख की हसास तरीन सर्जरी यानी कि जराई में काम आती है। खराब मौसम में हवाई जहाज़ों की लैंडिंग को महफूज बनाती है और टेली कम्युनिकेशन और बाज़ार टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। इसे कंप्यूटर सीडी में मालूमात रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड शुदा मालूमात को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल की
सूरज चरमा बिजली के बल्ब की रोशनी से मुख्तलिफ होती है। लेजर रोशनी की इंतहाई मरतकज ताकत पर और एक रंग की शुआ पर मुश्तमिल होती है। ये एक सिल्क में सफ़र करती है और बहुत कम फैलती है। ठीक है जी, आज हमने जो पढ़ना था वो यहाँ तक है। पेज नंबर आपके पास 178, लेज़र का सारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो लास्ट टाइम में है, फ्रांस और रूस। ठीक है, ये ममालिक थे आपकी आज की डायरी के। आपने ये लेज़र वाले टॉपिक को और जो पिछला टॉपिक था पेज नंबर 177 पे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में थे उसको पढ़ना है। ठीक है, और ये लेज़र वाला आपने अच्छे तरीके से फुल जो है ये यहाँ तक लास्ट तक फैलती है तक अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की तारीख है 2 महीना है सातवां और साल 2020 और दिन है आप लोगों का जुमेरात का। जमात दाम मजमून जो आप लोग कर रहे हैं वो है इस्लामियात इख्तियारी। आज हम करेंगे आयत नंबर चौदह है पेज नंबर 25 पे, और उसी के साथ हम लोग करेंगे अहदीस नंबर 17 जो कि है आप लोगों के पेज नंबर 48 पे। ठीक है जी, अहदीस नंबर 17। पहले हम लोग कर लेते हैं आयत नंबर 14। अब इसका पहले मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग करवाऊंगी, उसके बाद इसका सारा तर्जुमा बताऊंगी। ठीक है जी, आप लोग देखें मसालु मिसाल अल्लाज़ीना इन लोगों की जो युनफिकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल फी में सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में कमासले ऐसी है जैसे हब्बतिन एक दाना अम्बतत उगाए सब आ सात सनाबिला बालियां फी में कुल्ली सुम्बुलातिन हर बाली में मियातुन सो हब्बतिन दाने वा और अल्लाह अल्लाह युजाइफू बढ़ाता है लिमन जिसके लिए यशाउ चाहता है वा और अल्लाह अल्लाह वसीउन बड़ी वसत वाला अलीमुन जानने वाला। ठीक है जी, अब इसका तर्जुमा देखें। इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे एक दाना कि इससे सात बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है और भी बढ़ाता है, अल्लाह ताला बड़ी वसत वाला अलीम है। नेक्स्ट देखें, अल्लाज़ीना वो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल फी में सबील राह अल्लाह अल्लाह की सुम्मा फिर ला युतबिऊना नहीं चिताते माँ जो अनफाकू खर्च करने मना कोई एहसान वला और ना अजन दिल आजारी करते हैं लाहूं इनके लिए अजरुहुम अजर है इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास वा और ला नहीं खौफुन कोई खौफ है अलैहिम इनके लिए वा और ला नहीं हुम वो यहसनून गमगीन होंगे। अब इसका तर्जुमा देखें जी, वो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर जब खर्च करने के लिए एहसान नहीं जताते और राह ही दिल आजारी करते हैं इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखें जी, यह सनून तक किया था कोलुम मारूफ़ुन खुश कलामी वा और मग़फ़िरतुन दरगुज़र खैरुन क्या होता है जी, बेहतर है मिन सदाक़ातिन ऐसे खैरात से यतबाउहा जिसके पीछे हो अज़न दिल आज़ारी। नेक्स्ट पेज ओपन करें,
वाह और अल्लाह अल्लाह गनीम गनीम का मीनिंग होता है बेनियाज, अलीम अलीम का नहाज तहमुल वाला। अब देखें जी तर्जुमा, खुश कलामी और दरगुजर इन खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दिल आजारी हो और अल्लाह बहुत बेनियाज है नहायत तहमुल वाला है। क्लास आयत नंबर 14 आज कंप्लीट होती है। बहुत अच्छे तरीके से इसका तर्जमा और इसकी इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अच्छी से तशरीह भी याद करनी है। अभी हम करेंगे अहदीस नंबर 17 जो कि आप लोगों के पेज नंबर 48 पे। क्लास आप लोग देखें पेज नंबर 48 पे आप लोगों का है अहदीस नंबर 17। अहदीस नंबर 17 के आज पहले हम वर्ड टू वर्ड इसका तर्जमा करेंगे, तर्जमा करने के बाद फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। अब देखें जी फर्स्ट वर्ड है आपका ओला। ओला मीन सबसे बेहतर, ना से इंसान, मन बदा जिसने पहल की, हम इनको बिल सलामी सलाम के साथ। अब तर्जमा देखें, बेहतरीन इंसान वो है जो पहले सलाम करे। तशरीह देखें जी, सलाम एक किस्म की दुआ है, सलाम करने वाला सलामती की दुआ करता है। सलामती की दुआ जहां खुदा के सामने आजिज़ी का इकरार है वहां इस शख्स के लिए, इस शख्स पर एक किस्म का एहसान भी है जिसको सलाम किया गया। इसलिए सलाम करना सुन्नत मगर इसका जवाब देना वाजिब है। सलाम करना एक कार्य खैर है और खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, नेक कामों में आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। इसलिए जिसने पहले सलाम कर लिया इसने अमले खैर में सबकत हासिल कर ली, यानी कि आगे बढ़ गया। इसके अलावा जिस पर सलाम किया गया इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करती। इस्लामी अखुवत और बरादरी का तकाजा है कि इंसान अपने भाई की भलाई और बेहतरी चाहता है। जो लोग सलाम करने में पहल करते हैं वो हकीकत में शरीफ इंसान होते हैं। आजकल देखा जाता है अक्सर लोग ना तो पहले सलाम करते हैं और ना सलाम का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। ऐसे लोग तवाज़ा और इंकसार से खाली होते हैं और तकब्बर इन पर मुसल्लत होता है। हज़रत सल्लम ने इन लोगों को आला और अफजल करार दिया जो सलाम करने में पहल करते हैं। क्लास अहदीस नंबर 17 प्लस आप लोगों ने आयत नंबर 14 अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।